भारत बंद के आह्वान पर उकलाना में विभिन्न किसान संगठन शहर की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ दहाड़े। इसके बाद सभी लोगों ने बाजारों में रोष प्रदर्शन कर बाजारों को बंद करवाया और रोड को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान सभी ने इन कृषि अध्यादेशों के किसान मजदूर और आढ़तियों के खिलाफ क्या बताया, सुनिए। किसान भाई, व्यापारी भाई, एक दिन पहले मार्केट में बैठे के कारण अंदर अपने जो है संबोधन किया और उसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से आज सरकार के तीनों अध्यादेशों के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। सरकार जो है किसानों के प्रति जो तीन अध्यादेश लेके आई है उनको वापस लिया जाए, क्योंकि ये किसान के हित में और व्यापारी के हित में नहीं है। इन तीनों अध्यादेशों के अंदर कहीं पर भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो लेके आए हैं उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों को किसानों की जमीन में देकर किसानों को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। उसका भी जो विरोध कर रहे हैं और जो है श्रम विरोध काम जो लेके आए हैं उसके अंदर जो छोटे जो मजदूर है उनको भी जो कंपनियों को अधिकार दे दिया कि वो अपनी मर्जी से छटनी कर सकती है। सभी कानून जो है वो चाहे हमारे छोटे मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सबके विरोध में है और ये किसानों की जो है कमर तोड़ने वाले कानून है। इससे किसान का कभी भला नहीं होगा। ये केवल पूंजीपतियों के हाथों में किसानों को मजदूरों को बेचने की साजिश बीजेपी की सरकार की है, जो इसको हमारे किसान भाई कभी भी सफल नहीं होने देंगे। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसानों का पुरजोर समर्थन करता हूँ और जो 10 तारीख को किसानों के ऊपर लाठीचार्ज। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में 3 अध्यादेश को मंजूरी देकर पास किया गया है, जिसके विरोध में प्रदेश के किसान संगठन और मंडी आरती सड़कों पर आ गए हैं, जिसको लेकर आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया। उकलाना से अमित वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।